ये है हमारी दुनिया, हमारा घर, और ये हैं हम। भले ही हम देखने में एक जैसे लगे, पर हम पूरी तरह से अलग हैं एक दूसरे से। इसीलिए हम सब अलग अलग रिलीजन में बिलीव करते हैं। हमारे कपड़े, खाना, लैंग्वेज और तो और तौर तरीके सब अलग हैं। पर भले ही हम किसी भी रिलीजन के मानने वाले हों, पर इन सभी रिलीजन में एक चीज कॉमन है कि हमारा ये घर यानी ये दुनिया बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किस तरह ये दुनिया खत्म होने वाली है और क्यों हर रिलीजन में इस दुनिया के खत्म होने की बात करी गई है, साइंस का क्या कहना है इस मुद्दे पर, और आखिरकार कब खत्म होगी ये दुनिया। सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सदियों से हमने ये जरूर सुना है कि कयामत आने वाली है और ये प्रलय और डूम्सडे इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये एपोकलिप्स हमेशा से ही रिलीजन्स, फिलोसफी और तो और साइंटिफिक स्टडी में एक अहम बहस का हिस्सा रहे हैं। दुनिया के खत्म होने को रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी में एपोकलिप्स के नाम से बुलाया गया है, जहां पर इंसानों का नामो निशान इस दुनिया से पूरी तरह से मिट जाएगा। और इस एपोकलिप्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के बुक ऑफ रेवलेशन में मौजूद है, जहां पर ये बताया गया है कि ये एपोकलिप्स एक्चुअली में सीरीज ऑफ इवेंट में होगा, यानी कि लगातार सीरीज में कुछ घटनाएं होंगी जो कि वजह बनेंगी इस दुनिया के खत्म होने। और क्रिश्चियन बिलीव के हिसाब से एपोकलिप्स आने से पहले इस सीरीज का सबसे पहला इवेंट होगा पीरियड ऑफ ट्रिब्यूलेशन, और इस पीरियड के दौरान दुनिया में करप्शन, फसाद, भुखमरी, प्रोपोगंडा और परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यही नहीं बल्कि इसी पीरियड में वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर भी हद से ज्यादा होंगे। उसकी धरती पर पहली बार क्लस्टर बम दाग दिया गया है। दिल्ली के पॉश कॉलोनी में भी पानी भरा हुआ है। अब आप अपने आसपास नजर डालिए और देखिए क्या ये ट्रिब्यूलेशन पीरियड नहीं है। और सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं बल्कि हिंदू बिलीव में भी इस पीरियड ऑफ ट्रिब्यूलेशन को कलयुग के नाम से बुलाया गया है। और इस एपोकलिप्स या प्रलय का पूरा कॉन्सेप्ट हिंदू स्क्रिप्चर, उपनिषद, वेदास, भगवत गीता और तो और पुराणास में, जहां पर दुनिया के खत्म होने से पहले चार पीरियड क्लियरली मेंशन है। सबसे पहला है सतयुग, सबसे स्पिरिचुअल और पीस वाला। फिर है तृतीयुग, जहां पर लोगों की स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी में डिक्लाइन आया। फिर है द्वापरा युग, जहां पर लोग पैसे और पावर की तरफ भागने लगे। और फिर है कलयुग, जिसे एज ऑफ डार्कनेस या पीरियड ऑफ ट्रिब्यूलेशन भी कहा गया है। और इस्लामिक बिलीफ में भी इस पीरियड ऑफ ट्रिब्यूलेशन का जिक्र है, जहां पर ये बताया गया है कि कयामत से पहले दुनिया में फितना और फसाद हद से ज्यादा होगा। इस दौर में आदमी औरत के लिबास में होंगे और औरतें आदमियों के लिबास में। अडल्ट्री और बेहयाई बढ़ जाएगी। औरतें कपड़े तो पहनेंगी लेकिन फिर भी नंगी दिखाई देंगी। ये सभी मेजर और माइनर साइंस निशानियां हैं पीरियड ऑफ ट्रिब्यूलेशन की इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से। और इस्लामिक स्क्रिप्चर में ये अपोकलिप्स या प्रलय को यौमुल कयामा के नाम से बुलाया गया है, जिसका मतलब होता है डे ऑफ रेजरेक्शन। इस एपोकलिप्स आने से पहले पीरियड ऑफ ट्रिब्यूलेशन के बाद की स्टेज होगी अपीयरेंस ऑफ फॉल्स मसाया दज्जाल, या फिर क्रिश्चियन स्क्रिप्चर के हिसाब से द एंटी क्राइस्ट। दज्जाल एक तरीके का ऐसा इंसान या बीस्ट होगा जिसकी एक आंख ब्लाइंड होगी और साथ ही उसके पास हद से ज्यादा सुपर पावर्स, और तो और दुनिया की सारी वेल्थ उसी की मुट्ठी में होगी। और ये एंटी क्राइस्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और वेल्थ से दुनिया के सभी इंसानों को इन्फ्लुएंस करेगा और अपने आप को ही गॉड बुलवाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके पास हेवन और हेल तक होगी। जो इसकी हेवन होगी वो एक्चुअली में हेल होगी, और जो इसकी हेल होगी वो एक्चुअली में हेवन होगी। और जो लोग भी इसके इन्फ्लुएंस में आकर इसको गॉड मान लेंगे, वो लोग इसकी हेवन जो कि असलियत में हेल होगी उसमें जाएंगे।
जिसके बाद अगला बड़ा इवेंट होगा द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस या ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा मसीह का दोबारा से लौटना एक मेजर साइन है कयामत से पहले, जिसका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में ही मौजूद है। और बाइबल में इस इवेंट को परोसिया के नाम से भी बुलाया जाता है। और दोनों ही इस्लामिक और क्रिश्चियन फेथ के हिसाब से जीसस या ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में रूल करेंगे। वहीं इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से एक और फिगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, वो भी इस टाइम आएंगे और ईसा मसीह या जीसस के साथ मिलकर दज्जाल या एंटी क्राइस्ट को हराएंगे। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ऐसा कोई जिक्र तो नहीं है, पर हाँ, हिंदू धर्म के मानने वाले सदियों से लॉर्ड विष्णु के लास्ट अवतार कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से ये कल्कि अवतार कलयुग के फाइनल स्टेज में अपेयर होगा, जो उस टाइम पर मौजूद इवल फोर्सेस और बुराई से लड़कर दोबारा से सतयुग या न्यू एरा की शुरुआत करेंगे। एक और रिलीजन है ज़ोरोअस्ट्रिज्म, जहाँ पर इस धर्म के मानने वाले सोशेंट नाम की फिगर का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें ईविल से बचाकर एंड टाइम तक ले जाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट इवेंट जो इस्लामिक स्क्रिप्चर में मौजूद है, वो है सूरज उल्टी दिशा से निकलेगा या सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट। और ये वो टाइम होगा जिसके बाद फॉरगिवनेस के या माफी के सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद अगला मेजर इवेंट जो एपोकलिप्स का आगाज करेगा, वो है द लास्ट ट्रम्पेट क्रिश्चियन बिलीफ के हिसाब से, और सूर या सूर अल कयामा इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से। इस्लामिक स्क्रिप्चर के हिसाब से सूर दो बार फूका जाएगा। जब फर्स्ट टाइम ये सूर या ट्रम्पेट ब्लो होगा, पूरी दुनिया और इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग, एंजल्स, जिन्स, सब कुछ खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, यहाँ तक हर एक पहाड़ तक तबाह हो जाएगा। जिसके बाद ये सूर या ट्रम्पेट एक बार फिर से फूका जाएगा। हालांकि क्रिश्चियन स्क्रिप्चर के हिसाब से सूर सिर्फ एक ही बार फूका जाएगा, पर इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से एंजल इसराफिल जब सेकेंड टाइम सूर या ट्रम्पेट ब्लो करेंगे, उस ट्रम्पेट के साउंड से जितने भी इंसान, जिन्स या कोई और भी क्रीचर्स जो अब तक दुनिया में आए थे, सभी लोग वापस से जिंदा हो जाएंगे, एग्जैक्टली उसी हालत में जिसमें उन्हें उठाया गया था। और जिसके बाद गॉड असली जजमेंट करेंगे और इंसानों ने अब तक इस दुनिया में जो कुछ भी किया होगा, हर एक चीज का हिसाब और किताब होगा, और उनके डीड्स के हिसाब से ही उन्हें हेवन और हेल में डाला जाएगा। बल्कि इस एपोकलिप्स का जिक्र सिर्फ हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे मेजर रिलीजन में ही नहीं है, बल्कि नॉर्स माइथोलॉजी और ज़ोरोअस्ट्रिज्म में भी एपोकलिप्स एक अहम हिस्सा है। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से एक बहुत ही खतरनाक बैटल होगी रैग्नारॉक, और पूरी दुनिया इस बैटल में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जिसके बाद फिर से दोबारा कॉस्मोस का रिन्यूअल होगा। हालांकि एपोकलिप्स या दुनिया का खात्मा सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट के अनुमान के हिसाब से भी ये दुनिया बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि एटॉमिक साइंटिस्ट के ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ने साल 1947 में डूम्सडे क्लॉक को इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड वॉर टू में हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग के बाद। और ये वॉच एक्सपर्ट और साइंटिस्ट दोनों के ही एक्सपीरियंस को मेटाफोरिकली बताती है कि ये दुनिया कब खत्म होने वाली है। और इस डूम्सडे क्लॉक में अब सिर्फ 90 सेकंड ही बाकी है मिडनाइट होने में, यानी जब इस डूम्सडे वॉच में 12 बज जाएंगे तो दुनिया खत्म होने के कागार पर आ जाएगी। लेकिन जब 1947 में इस वॉच को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब इस क्लॉक में 7 मिनट्स बाकी थे मिडनाइट होने में, यानी सिर्फ 70 साल बाद इस वॉच में 90 सेकंड बचे हैं। इसका ये मतलब तो साफ है कि हमारे पास काफी कम समय बचा है और ये दुनिया कभी भी खत्म होने के कागार पर आ सकती है। और अलग अलग साइंटिस्ट और रिसर्चर के हिसाब से हमारी दुनिया के खत्म होने के कई डिफरेंट चांसेस हो सकते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से हमारी अर्थ का मोल्टन कोर ही ठंडा पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड
हमें सोलर विंड और दूसरी चीजों से प्रोटेक्ट करती हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से तबाह तक हो सकता है। और आज से करोड़ों साल पहले हमारे पड़ोसी प्लैनेट मार्स पर भी बिल्कुल यही हुआ था, जिसकी वजह से मार्स आज पूरी तरह से बंजर पड़ा है। और सालों पहले लाइफ और एटमॉस्फेयर की सलाहियत रखने वाला ये मार्स आज पूरी तरह लाइफलेस है, जिससे ये तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि हमारी दुनिया बिल्कुल खत्म होने के कागार पर खड़ी है। लेकिन यहाँ इंसान आपस में ही एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो से, और आपके हिसाब से ये दुनिया कब खत्म होगी, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।